हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम शाहिद हनीफ है और बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हर वीडियो के ऊपर आप लोगों का प्यार और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मुझे फिर से हिम्मत मिली है। और उसी के साथ मैं आज जो आया हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स लोगों ने मुझे कमेंट सजेशन दिया कि कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक होनी चाहिए, तो उनके सजेशंस की वजह से ऊपर मैंने कुछ सोचा। और आज की जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू गेट लीन मसल्स। ओके, जो हर किसी को, हम में से आपको, मुझे, हर किसी को लीन होना बहुत पसंद होता है, राइट? किसी को भी बल्कि बॉडी पसंद नहीं होती है। तो आज का जो ट्रेंड है वो लीन मसल्स होता है, तो उसी के टॉपिक के ऊपर मैं आपको बताऊंगा आज कि किस तरीके से आपको क्या डाइट कंज्यूम करनी चाहिए, आपको किस तरीके से आपकी पूरी दिन के अंदर एक सिंपल नॉर्मल कौन सी डाइट आप फॉलो करोगे, तो उसको फॉलो करके आप जो है आपकी बॉडी को लीन बना सकते हो। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने हर एक पॉइंट के ऊपर बहुत ध्यान से लाइक स्टडी किया हूँ और उसके बाद मैंने आपके साथ में ये चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। तो इसीलिए लास्ट तक ये वीडियो को देखना, इंशाल्लाह आपको बहुत तो कुछ फ़ायदा मिलेगा और यूज़फुल होगा, और इसे आप प्रैक्टिस करके अपने डेली बेसिस लाइफ में इंशाल्लाह बहुत कुछ चेंजेस देख सकते हो। तो वीडियो लास्ट तक देखना प्लीज़। और अगर आप न्यू हो मेरे इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो जो नोटिफिकेशन बेल होती है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगा वो आपसे मिस ना हो। और जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आपको दिन का ब्रेकफास्ट के अंदर आपको क्या करना है, आपको जो है 4 बॉयल्ड एग लेने हैं और 2 एग वाइट्स लेने हैं बॉयल्ड एग के, और उसी के साथ में जो है आपको 4 ब्राउन ब्रेड लेने हैं। जैसे कि इंडिया में वाइट ब्रेड भी मिलते हैं और ब्राउन ब्रेड भी मिलते हैं, लेकिन ब्राउन ब्रेड जो होता है वो ज़्यादा यूज़फुल होता है। जैसे कि मैं खुद अपने बॉडी के लिए मैं कंज्यूम करता हूँ ब्राउन ब्रेड मेरे ब्रेकफास्ट में, तो उसी तरह से आप जो है 4 बॉयल्ड एग्स लीजिए और उसे 4 स्लाइस ऑफ ब्रेड के अंदर, ब्राउन ब्रेड के अंदर, उसे एक सैंडविच की तरह आप यूज़ कर सकते हो और उसे कंज्यूम कीजिए एज ए आपके ब्रेकफास्ट में। तो जैसे कि एक स्लाइस ऑफ ब्रेड होता है ब्राउन ब्रेड 28 ग्राम्स, ठीक है? तो 28 ग्राम्स इंटू 4 कुछ होता है 112 ग्राम्स, तो 112 ग्राम्स आपको ब्रेड से मिल जाता है। तो इस वजह से जो है आपको जो कंज्यूम करना है, जैसा मैंने बताया, ब्रेकफास्ट में 4 बॉयल्ड एग्स और 2 एग वाइट सिर्फ लेना है, और इसी को आपको कंज्यूम करना है ब्रेड के साथ, 4 स्लाइस ऑफ ब्रेड के साथ। जो मेरा सेकेंड पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लंच। लंच में क्या होता है, हम जो है आजकल हमारी डेली बेसिस लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, तो हमें लंच करने का प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है। तो उस वजह से जो एक सिंपल डाइट है उसके अंदर मैंने ये इंक्लूड किया है, लाइक आप 3 चपाती ले सकते हो और 100 ग्राम बॉयल पोटैटो ले सकते हो। उससे क्या हो, 100 ग्राम बॉयल पोटैटो ले सकते हो और उसी के साथ में आप थोड़ी सी ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हो। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी को जो है प्रॉपर एनर्जी मिलेगी और उसके अंदर जो है हाई कार्ब्स होते हैं, तो उसकी वजह से आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी ड्यूरिंग वर्कआउट। एंड सेकेंड चीज़ जो है, हमारी बॉडी को माइक्रोस की ज़रूरत होती है, हमें वो इन सारी चीज़ों से मिलते हैं, जैसे कि माइक्रोस यानी विटामिंस, मिनरल्स एंड फाइबर, और ये वो बहुत अच्छी चीज़ होती है लाइक ड्यूरिंग लंच टाइम। इसी जो है एब्जॉर्प्शन में ईजी होता है एंड इट्स गुड फॉर हेल्थ। और जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो ये है कि प्री वर्कआउट मील। अगर आप जिम जाते हैं तो आपके लिए प्री वर्कआउट मील ज़रूरी है। इवन अगर आप जिम नहीं जाते हैं तो उसे जाने की कोशिश करें और इस प्री वर्कआउट मील को कंज्यूम करने की कोशिश करें। लाइक प्री वर्कआउट मील में क्या है, आप जो है ले सकते हो 4 स्लाइस ऑफ ब्राउन ब्रेड, जैसे मैंने बताया था 28 ग्राम्स होते हैं पर स्लाइस इंटू 4 पीसेस, लाइक 112 ग्राम्स। इससे आपको ये एक आपको लेना है। उसी के साथ में आप कंज्यूम कर सकते हो 300 ml का मिल्क, ये आपको एक लेना है प्री वर्कआउट। और उसी के साथ में उस ब्रेड के ऊपर जो है आप पीनट बटर अप्लाई कर सकते हो, जो आपको टेस्टी होगा एंड सेकेंड चीज़ यूज़फुल भी होगा आपकी बॉडी के लिए। और इसी के साथ में आपको जो है ये फॉलो करना है प्रायर टू योर वर्कआउट, लाइक हाफ एन आवर बिफोर, जस्ट टू डाइजेस्ट क्विकली। तो ये जो है बहुत अच्छा होगा अगर आप इसे अगर कंज्यूम करोगे एज अ प्री वर्कआउट मील, और आपकी बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल होगा ये। और जो मेरा फोर्थ पॉइंट है वो ये है लाइक पोस्ट वर्कआउट मील। हम में से बहुत ऐसे होते हैं लाइक जो जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद में घर पर आने के बाद में कोई प्रॉपर
मील नहीं लेते हैं लाइक पोस्ट वर्कआउट, जो बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि 200 ग्राम आप चिकन ले सकते हो विथ 3 चपाती, ठीक है, 200 ग्राम चिकन और 3 चपाती के साथ में आप उसे कंज्यूम कर सकते हो। इसके अंदर क्या होता है, प्रॉपर कैलोरी, फैट्स, प्रोटीन्स प्रॉपर रेशियो में आपको मिलता है अगर आप इस तरीके से कंज्यूम करोगे तो। तो ये हमारे पोस्ट वर्कआउट मील में बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसे अगर आप फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आप जो है आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस देख सकते हो। और जो मेरा लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है, वो ये है कि पोस्ट वर्कआउट मील जो लास्ट मील है हमारे दिन का, उसमें हमें क्या कंज्यूम करना चाहिए। लाइक सोने से पहले जो हमारा लास्ट मील है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। तो उसमें आपको कंज्यूम करना है, जैसे कि आप ले सकते हो 4 बॉइल्ड एग्स, या तो उसे आप 4 बॉइल्ड एग्स ले सकते हो, या अगर आप उसे ऑमलेट बना के भी अगर खाना चाहते हो तो भी आप खा सकते हो। तो उसे आप ले सकते हो विद 4 स्लाइस ऑफ ब्रेड और उसी के साथ में 1 कप ऑफ मिल्क, लाइक 250 ml मिल्क। और सोने से पहले जो है, अगर आप जिम जाते हो तो फॉर श्योर आपके पास शेकर होगा, लाइक सप्लीमेंट होगा, प्रोटीन शेक होगा, तो उसे आप कंज्यूम कर सकते हो। तो सोने से पहले जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे हमें कंज्यूम करना चाहिए। तो और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी डाइट है। जिस तरीके से मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं, ये बहुत यूज़फुल है। इसे अगर आप इंशाल्लाह डेली बेसिस पे अगर आप फॉलो करोगे विथ वर्कआउट, तो आप आपकी बॉडी को जो है बहुत लीन बना सकते हो और बहुत अच्छा शेप दे सकते हो, और आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे इसके ऊपर। और इसी के ताल्लुक से मैं आगे इंशाल्लाह बहुत डिटेल में बताऊंगा और भी अच्छी डाइट्स के को फॉलो करके किस तरीके से आप लीन हो सकते हो, और पोस्ट लाइक बॉडी वर्कआउट्स से रिलेटेड भी मैं आगे इंशाल्लाह और भी वीडियोस लेके आऊँगा। बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह इस व्लॉग को इसी के साथ में मैं एंड करूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जिस तरीके से मैं अपनी बॉडी के ऊपर मेहनत कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से हम सबको जो है फिट होना है और साथ में मिलके आगे बढ़ना है, और हमें अपनी बॉडी के ऊपर मेहनत करना है इंशाल्लाह।